हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम सेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सूजी का बहुत ही बेहतरीन नाश्ता लेके आई हूँ, जो कि आप मॉर्निंग में भी बना सकते हैं और इवनिंग में भी बहुत आराम से बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा, इसको एक बार आप ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी का मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में 1 कप सूजी डालेंगे, आधा कप ये खट्टा दही यूज करेंगे, थोड़ा खट्टा, और आधा कप पानी डालेंगे। 1 कप सूजी, आधा कप दही, आधा कप पानी, और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरीके से ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। देखिए 15 मिनट हो गया है, इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। इसमें आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, महीन या जो भी नॉर्मल सूजी होती है वो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पतला थोड़ा सा बैटर बना लें, जैसे कि इडली का होता है ना, बस वैसा ही। ये देखिए ऐसा बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें मिक्स कर देते हैं। थोड़ी सी कटी हुई अदरक, थोड़ा सा कटा हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करिएगा। नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे लास्ट में बेकिंग सोडा, तो ये आप बिल्कुल जो छोटी वाली स्पून होती है इससे आधा स्पून बेकिंग सोडा, और बस इसके बाद हमें बनाना है अपे। सोडा मिलाने के बाद देखिए हमारा बैटर कितना अच्छे से फूल गया है। अगर आपके पास सोडा नहीं है तो आप इनो का यूज़ करें, बस क्वांटिटी आप सेम रखिएगा। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अप्पे पैन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, इसको थोड़ा थोड़ा हम ग्रीस कर लेंगे सभी मोल्ड को इस तरीके से। बहुत ही कम तेल लगता है इसमें। देखिए हमने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। अब हमें अप्पे बनाने हैं, तो आप इस तरह से स्पून में लीजिए और इसमें अप्पे मोल्ड में डाल दीजिए। बहुत बड़े अप्पे नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें इन्हें फ्राई करना है, इसलिए इनका साइज हमें छोटा रखना है। और जो आप स्पून ले रहे हैं उससे हाफ हाफ स्पून इसमें डाल दें। ये देखिए अच्छे से मैंने इनको डाल दिया है। अब इसको ढक कर हम 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं। देखिए कितना अच्छे से अप्पे हमारे फूल गए हैं। इनको हम टर्न कर लेते हैं इस तरीके से। आप ये जो पॉइंट वाला कुछ भी है, नाइफ है आपके पास नाइफ से कर लीजिए, या इस तरह की कोई आपके पास स्टिक है उससे कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए सभी टर्न हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रीसिंग कर देते हैं, इससे कि और भी इनका कलर अच्छा आएगा और कि ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप तेल नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। इनको ढककर हम 2 मिनट फिर से पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है, चलिए खोल कर देखते हैं, इनका कलर देखते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, 2 मिनट में आराम से ये पके हैं, जो अप्पे हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं। इनको हम साइड में प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से बचे हुए अप्पे भी हम बना लेते हैं। ये देखिए सभी अप्पे बनकर रेडी हो गए हैं। हम आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक पैन रखा है, पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। इस तरीके से तेल डाल दीजिए, बहुत तेल की जरूरत नहीं है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम राई डाल देंगे, आधी स्पून राई डालते हैं। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज है जो इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है, इसको डाल देंगे इसी में। कुछ करी पत्ते हैं, इनको डाल देंगे। कलर हमें इसका चेंज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली है, ये देखिए रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम। अगर आपके पास ग्रीन ही है तो आप ग्रीन ही केवल यूज़ करें, पूरी 1 कैप्सिकम आप यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ हाफ सभी यूज़ किए हैं, इनको भी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा इस टाइम पर। इसको 2 मिनट हम इस तरह चला कर सौते कर लें। साथ ही साथ एक चिली भी इसी में डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए। 2 मिनट हो गया है लगभग। अब इसमें हम एक टमाटो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, इसको भी डाल देंगे। इसको भी इसी तरह चला लेंगे, हल्का सा बस गलाना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। देखिए टमाटो हल्का हल्का सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम गैस का फ्लेम स्लो कर लीजिएगा। 1 चम्मच ये शेजवान चटनी डालेंगे, 1 स्पून टमाटो सॉस। अगर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है तो आप टमाटो सॉस डाल दीजिए और यहाँ पर रेड चिली डाल दें।
रेड चिली डालकर अदरक जरूर डालें काट कर बारीक बारीक, जिससे कि शेजवान चटनी की तरह ही बिल्कुल टेस्ट आएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि जो हमने सॉस मिक्स किया उसमें भी नमक है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है सभी सब्जियों का। अब इसमें जो हमने रेडी किए थे आपके उनको डाल देंगे, देखिए कितना अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छे लगेंगे। और इनको हम सभी सब्जियों के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। आपको अगर लगता है कि नमक या चिली का कुछ कमी है तो आप इस टाइम पर ऐड कर दें। और बस हमारे बनकर अप्पे ये जो है रेडी हैं। ये देखिए अप्पे बनकर रेडी हैं, कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको आप नाश्ते में बनाइए, कभी बनाइए, शाम के नाश्ते में बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कलरफुल सब्जियों की वजह से इसका जो लुक है वो और भी चेंज हो गया है। सिंपल अप्पे तो हमने बहुत बार खाए हैं, इस तरह से एक बार बना के ट्राई करिए और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये कैसे लगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसमें ग्रीन कोरिएंडर डालें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।